हेलो दोस्तों, यूनिक ऑनलाइन गुरु में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए, इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि लेजर कैसे क्रिएट करता है, यानी टैली में लेजर क्रिएट करना मैंने आप लोगों को बता दिया था, सिंगल लेजर क्रिएट करना बताया था। और मैं आपको बताया था कि यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट आप लोग दिख रहा होगा, कहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आइए और मास्टर का जो हेडिंग है इसमें आपको तीन हेडिंग मैंने बताया था, क्रिएट, अल्टर और चार्ट ऑफ अकाउंट। मैंने क्रिएट और अल्टर का आपको बता दिया था, अब क्या बचा था? चार्ट ऑफ अकाउंट। मैंने आपको बताया था कि चार्ट ऑफ अकाउंट मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, तो आज हम इस पर ही डिस्कस करेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है। मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि चार्ट ऑफ अकाउंट एक इससे मैंने बताया था आपको कि यहाँ से आप जो यहाँ से लेजर क्रिएट किए हैं उसके डिटेल्स दे सकते हैं और यहाँ से आप मल्टी लेजर क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि आपको एक साथ अगर एक से अधिक लेजर को क्रिएट करना चाहते हैं तो आप चार्ट ऑफ अकाउंट की हेल्प से मल्टी लेजर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हम मल्टी लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि लेजर क्रिएट करने से पहले हमको कंपनी क्रिएट करना बहुत ही आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर हम जिस कंपनी में, मैं आपको पहले बताया था इस वीडियो में कि आप अगर कोई कंपनी यहाँ से लिए, जैसे कि मैंने मोहन पीवीटी एलटीडी कंपनी लिया है, अगर इस कंपनी में मैंने लेजर क्रिएट कर लिया है, अगर उसी कंपनी में दोबारा हम लेजर क्रिएट करेंगे तो वो लेजर हमारा क्रिएट नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, वहाँ पर इरर करेगा। इसलिए टैली में आप जब भी कोई काम करेंगे, बाउचर करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे या फिर कोई लेजर क्रिएट करेंगे, जब भी कोई नई काम करेंगे तो उसके लिए एक आप नई कंपनी क्रिएट करना आवश्यकता होती है। उसके बिना, नई कंपनी के विदाउट आप उसमें काम नहीं कर सकते, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए हम यहाँ कंपनी क्रिएट करते हैं, जैसे कि अल्ट प्लस F3 करते हैं और अल्ट प्लस F3 प्रयोग करके कहाँ जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं क्रिएट पे, और क्रिएट पे हम क्या करते हैं, इंटरफेस करेंगे, और इंटरफेस करते करने के बाद हम यहाँ पे कंपनी क्रिएट करते हैं, जैसे कि एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, किसी भी आप नाम से कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, आपका जो नाम लेना है आप उस नाम से लेकर कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने मान लीजिए कि कोई नाम है जिसके नाम से मैंने कंपनी क्रिएट कर दिया, यहाँ पे उसका स्टेट है, स्टेट आप ले लीजिए उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश मैंने ले लिया, और ये जो मैं आपको बताया था पिन कोड, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट, आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं और इसको क्या करा दीजिए, एक्सेप्ट करा दीजिए। अब एक्सेप्ट कराने के बाद आप देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्रिएट, कंपनी क्रिएट सक्सेसफुल। अब यहाँ पे हम इसको गेटवे ऑफ टैली पे जाने के लिए क्या करेंगे, आल एक्सेप्ट करने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया था कि कंट्रोल प्लस ए जैसे एक्सेप्ट प्रेस करेंगे आप आल एक्सेप्ट कर लेंगे और कहाँ चले जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। अब आपको दिख रहा होगा आप यहाँ पर जो मैंने कंपनी क्रिएट किया है यहाँ हाईलाइटेड है, यानी बोल्ड अक्षरों में हाईलाइटेड दिख रहा है कि यही हाईलाइटेड होने का मतलब ये है कि ये हमारी कंपनी एक्टिव है। ठीक है, अब आ जाइए गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं और मास्टर के हेडिंग पे, और हम क्या दिखना है आज के वीडियो में, क्या पढ़ना है, चार्ट ऑफ अकाउंट। तो हम एरो की मदद से यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट पे आते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, इंटरप्रेस करते हैं। अब इंटरप्रेस करने बाद मैंने इसमें क्या बताया था आपको कि चार्ट ऑफ अकाउंट में हम लेजर यानी मल्टी लेजर क्रिएट करना हम बताएंगे आपको। तो चलिए, यहाँ पे देख रहा होगा आपको एरो की मदद से आप लेजर पे आइए और लेजर पर इंटरप्रेस कीजिए। अब देखिए, आपको यहाँ पर बताया था ना कि जो हम लेजर क्रिएट करेंगे उससे संबंधित डिटेल्स बताएगा, यानी कि देखिए एसेस्ट का बता रहा है ना, एसेस्ट में जो हमारा होता है करेंट एसेस्ट होता है, बैंक अकाउंट होता है, कैश इन हैंड होता है। ठीक है, ये सारे वगैरह वगैरह चीज़ें दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा, दिखा रहा है ना, उसका डिटेल्स शो कर रहा है। यहाँ दिख रहे आपका लाइबिलिटीज में आपको दिख रहा होगा, कैपिटल अकाउंट है, ब्रांच, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ड्यूटेज इन टैक्सेज, यानी कि ये सारी चीज़ें डिटेल्स इसका है दिखा रहा होगा। ठीक है, एक एक करके सब दिखाएगा इसका डिटेल्स, लेजर का हमारा जो डिटेल्स है, लेजर लिस्ट है, वो सब इसमें दिखाएगा उसका, हर एक लेजर का, यानी कि एसेट मतलब संपत्ति में कौन कौन से लेजर क्रिएट किया जाता है, लाइबिलिटीज में कौन कौन से क्रिएट किया जाता है, यहाँ पर आपको एक्सपेंस दिख रहा, एक्सपेंस का जो अंडर ग्रुप होता है उसका क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें दिखा रहा होगा। हम इसमें आज के वीडियो में क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि हम देखेंगे कि मल्टी लेजर क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे आइए फंक्शन की वाला में, और आपको फंक्शन की मैं आपको दिख रहा होगा सबसे नीचे एक मल्टी मास्टर दिख रहा होगा आपका, जिसका शॉर्ट करके क्या है, अल्ट और एच। तो आप अल्ट प्लस एच का प्रयोग करके भी यहाँ पे मल्टी मास्टर में चला जा सकते हैं, या फिर माउस की मदद से फंक्शन की पे आइए और इस पर क्लिक कीजिए। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि लिस्ट ऑफ मल्टी मास्टर ओपन हो गया है, और यहाँ पे देखिए आपको पूछ रहा है कि मल्टी क्रिएट करना है या फिर अल्टर करना है या फिर क्रिएट लिमिट करना है।
तो हम जानते हैं कि अभी हम मल्टी क्रिएट करना है, उसके बाद हम अल्टरेशन करना भी बता देंगे। तो हम अभी मल्टी क्रिएट कर रहे हैं, तो क्रिएट पर हम क्लिक करेंगे और आपको देखिए यहाँ पे पूछ रहा है ना अंडर ग्रुप, यानी कि अंडर ग्रुप। अब अंडर ग्रुप में जैसे कि मान लीजिए हमें एक्सपेंस, यानी कि जो अंडर ग्रुप क्या होती है, अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ पर हम ले लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे आप इनडायरेक्ट यहाँ पे इन लिखेंगे, यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप में आ जाएगा, उसका नेम शो करके और इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस से यानी इससे संबंधित जितने हमारे जो लेजर होते हैं, इनडायरेक्ट जितने लेजर होते हैं जिसका अंडर ग्रुप क्या होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, उसको एक साथ आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस किसके लिए जरूरत है। मानिए किसी को हम पेमेंट करा रहे हैं तो उसका अंडर ग्रुप क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट करा रहे हैं उसका अंडर ग्रुप एक्सपेंस होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। किसी को हम मजदूरी यानी वेजेस पेमेंट करा रहे हैं उसका भी अंडर ग्रुप क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। ठीक है, तो अगर किसी को हम डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट यानी अलाउ कर रहे हैं, तो उसका भी अंडर ग्रुप क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। तो ये वगैरह जितने चीज़ें हैं इन सबको हम एक एक करके क्या करेंगे यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करा रहा हूँ, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, LECT, ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी का जो देखिए यहाँ पे इसका अंडर ग्रुप ऑलरेडी ले लिया ना इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इसका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा ये हम आपको आगे के वीडियो में बताएंगे। ओपनिंग बैलेंस वो होता है कि अगर हम कोई कंपनी क्रिएट की है, ये हम आपके आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए अभी इतना जानिए कि आपको कंपनी लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब इंटरप्रेस के नीचे आते हैं। अब आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रिसिटी का हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, वेजेस का, मान लीजिए वेजेस का हम कर रहे हैं, वेजेस का इसका भी अंडर ग्रुप क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। फिर से इंटरप्रेस कीजिए और नीचे आ जाइए। अब आ जाइए क्या, यहाँ मान लीजिए किसी को डिस्काउंट हमें अलाउ करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, डिस्काउंट अलाउ करा रहा है, मान लीजिए डिस्काउंट यहाँ पे अलाउ करा रहा है। ठीक है, इसका भी अंडर ग्रुप क्या होगा, इसका भी अंडर ग्रुप क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, आगे आ जाइए, चौथा नंबर क्या है, मान लीजिए किसी को हम क्या सैलरी पेमेंट करा रहे हैं, क्या सैलरी पेमेंट करा रहे हैं, ठीक, सैलरी पेमेंट करा रहे हैं, उसका भी अंडर ग्रुप क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो इस तरह से आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस के थ्रू जितने हमारे लेजर होते हैं उन सबको एक साथ आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और इंटर इंटरप्रेस करके क्या यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक्सेप्ट आ गया और एक्सेप्ट कर देंगे। यानी कि आप एक साथ जितने इनडायरेक्ट एक्सपेंस से लेजर थे उसको आपने एक साथ क्या किया, क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब आ जाइए, अब मैं कहूँ कि हम, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक साथ बहुत सारे यानी कि सभी लेजर को क्रिएट करना है, तो एक साथ अगर मैंने यहाँ तो बताया था कि सिर्फ अंडर ग्रुप यानी कि जिसका अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो उससे संबंधित जितने लेजर हो उसको कैसे क्रिएट किए हैं। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हम एक एक अलग अलग जिसके अंडर लेजर हैं उसके अलग अलग ग्रुप हैं और उन सबको एक ही साथ क्रिएट करना, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए उसको भी हम क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। पहले हम कहाँ जाएंगे, मल्टी मास्टर में जाएंगे, मल्टी मास्टर के बाद कहाँ चले जाएंगे, मल्टी क्रिएटर में चले जाएंगे। और यहाँ पे आपको अंडर ग्रुप में क्या दिख रहा होगा, अंडर ग्रुप दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख रहा है आल आइटम, तो यहाँ पे हम आल आइटम रह देंगे। क्यों, क्योंकि आल आइटम इसलिए रहने देंगे क्योंकि अब जो हम लेजर क्रिएट करेंगे उसमें अलग अलग उसके अंडर ग्रुप होंगे और अलग अलग लेजर होंगे। ठीक है, तो अगर ऐसी लेजर क्रिएट करना है जिसके अंडर ग्रुप अलग अलग हैं और उनका लेजर भी अलग अलग, इस तरह का अगर लेजर क्रिएट करना है एक साथ, तो वहाँ पे हम अंडर ग्रुप में आल आइटम रहने देते हैं और इंटरप्रेस करते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर हम आ गए हैं परचेस, जैसे कि पहला लेजर बनाते हैं किसका, परचेस का, किसका, परचेस का, परचेस का अंडर ग्रुप देखिए, जैसे आप अंडर में आएंगे उसका लिस्ट ऑफ ग्रुप ओपन हो गया ना। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि परचेस का अंडर ग्रुप क्या होता है, तो मान लीजिए परचेस का अंडर ग्रुप परचेस अकाउंट होता है, यहाँ पर ले लिए और इंटरप्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पर आ जाइए, सेल्स का लेजर बनाना हमें, किसका बनाना है, सेल्स। अब इसका जब जैसे इंटरप्रेस करेंगे अंडर में आ गया, अब इसका पूछ रहा है लिस्ट ऑफ ग्रुप इसका क्या है, मान लीजिए इसका सेल्स, इसका जो हमारा सेल्स का क्या होता है, सेल्स अकाउंट होता है, ले लिए ना। आपको दिख रहा होगा कि जिस अलग इसका अलग अलग अंडर ग्रुप एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं हो रहा है ना। अब आप ये नीचे यहाँ पर हमको क्या बनाना है, बैंक का लेजर बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको किसका लेजर बनाना है, बैंक का लेजर बनाना है, तो बैंक को लेजर बैंक नाम लिखेंगे और यहाँ पर आ जाएंगे लिस्ट ऑफ ग्रुप। अब इसका पूछेगा अंडर ग्रुप क्या होगा बैंक का, तो मान लीजिए बैंक का अंडर ग्रुप हम सब जानते हैं कि बैंक का अंडर ग्रुप क्या होता है, बैंक अकाउंट। ठीक, इसको भी लेंगे, ओपन कर लेंगे। फिर से आप नीचे आइए, यहाँ पर मान लीजिए कोई एक ट्रेडर्स है, व्यापारी के क्या कर रहा है, परचेस कर रहा है, यानी क्रेडिट में परचेस कर रहा है, जिसका नाम क्या है, AMA यानी अमन और ट्रेडर्स, क्या है, अमन ट्रेडर्स। ठीक है, व्यापार अब इसका परचेस कर रहा है, इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, अब ये जो अमन ट्रेडर्स है ये किस प्रकार का ट्रेडर्स है, ये परचेस कर रहा है, क्रेडिट में परचेस कर रहा है, तो इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, संडी क्रेडिटर होगा। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में
कि जो अगर कोई परचेस कर रहा है और परचेस में वो जो उसका नाम शो कराते हैं और वो किस में परचेस कर रहा है, क्रेडिट में परचेस कर रहा है, तो क्रेडिट में अगर परचेस कर रहा है तो उसका जो अंडर ग्रुप क्या होता है, संडी क्रिएटर होता है। अब यहाँ आ जाइए, मान लीजिए एक मोहन है, कौन है, मोहन या मोयची मोहन, और ये भी क्या है, ये भी व्यापार है, ठीक है, ये भी हमारा क्या है, व्यापार है, यानी कि सप्लायर है। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हम सप्लायर ही लिख लेते हैं, चलिए भाई सप्लायर लिख लेते हैं, ठीक है। ठीक, आप यहाँ पर डाल सकते हैं SUP, ठीक है, SUPLL, आप इससे समझ जाएंगे कि सप्लायर है, ठीक है, सप्लायर। अब मान लीजिए यहाँ पे एक सप्लायर या फिर व्यापार ही डाल लीजिए, आप यहाँ पर आइए व्यापार ही डाल लीजिए, TRADES, इससे आपको आसान होगा और समझने में। अब मान लीजिए जो हमारा मोहन व्यापार है, अब ये क्या कर रहा है, तो पहला जो अमन वाला था वो परचेस किया था, तो उसका अंडर ग्रुप क्या था, संडी क्रिएटर, ये सेल्स कर रहा है, और सेल्स कर रहा तो किस में सेल्स कर रहा है, क्रेडिट में सेल्स कर रहा है, तो इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, संडी डेबिटर होगा, क्या होगा, संडी डेबिटर होगा। मैं आपको बताया था यहाँ पे यस लिखिए और यहाँ पर लिस्ट ऑफ ग्रुप में संडी डेबिटर लेके इंटर प्रेस कर दीजिए, ठीक है, हो गया ना। अब इस तरफ आपको अगर आगे और बनाना है, जैसे कि मान लीजिए कोई आप कोई पेमेंट करा रहे हैं या फिर रिसीव कर रहे हैं, उन सबका अगर अंडर ग्रुप बनाना है, तो इस तरह से आप मल्टी लेजर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इतना ही जाने देते हैं और इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक्सेप्ट पूछ रहा है यस या नो, तो हम यस कर देते हैं, वाई प्रेस कर देंगे और एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है हमको कि अगर आप लोगों को ये मल्टी लेजर क्रिएट करना आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताया था कि इसमें भी अल्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी इसमें भी चेंजिंग कर सकते हैं, कैसे, आप वहीं पर जाइए मल्टी मास्टर में जाइए, मल्टी मास्टर में जाइए माउस की मदद से, और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मल्टी अल्टर, दिख रहा है ना। अब यहाँ से आप इंटर यहाँ पर जाइए हाईलाइट, इस माउस की मदद से यहाँ पर क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है कि आप किस में अल्ट्रेशन करना चाहते हैं, बैंक ऑफ अकाउंट में करना चाहते हैं या फिर बहुत सारे इसमें पूछ रहा है, आल आइटम करना चाहते हैं, किस में कर रहे हैं, आल आइटम में करना चाहते हैं, आल आइटम ले लीजिए। आल आइटम में देखिए मैंने क्या यही सब बनाया था ना, आल आइटम में सब बनाया था मैंने, देखिए ट्रेडर्स का, बैंक का, कैश का, डिस्काउंट का, इसमें किस में आप चेंजिंग करना चाहते हैं, सब में आप चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं किस में, ये मोहन वाले, ये बैंक वाले, मान लीजिए मैं बैंक वाले में चेंजिंग करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ बैंक लिखा है, मैं चाहता हूँ कि ये किसी बैंक का नाम दे दूँ, अगर इसमें चेंजिंग करना चाहता हूँ तो यही पर हम क्या कर सकते हैं, यही पर आप मान लीजिए SBI बैंक है, ठीक है, तो यहाँ पे SBI बैंक लिखिए और इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। देखिए हो गया ना SBI बैंक, यानी बैंक से SBI बैंक हो गया। अब इंटर इंटरफेस करते जाइए, अगर इन सब में आपको चेंजिंग करने है तो इस सब में भी आप चेंजिंग कर सकते हैं, अन्यथा या इंटर इंटरफेस करते जाइए और इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। अब आपको दिख रहा होगा जो बैंक का लेजर मैंने बनाया था वो SBI बैंक से बनाया हूँ। अब यहाँ पर आपको ऑल आइटम में मत जाइए, यहाँ पर आप कहाँ चले जाइए, इसमें जाइए और यहाँ पर सर्च कीजिए क्या, SBI बैंक सर्च कीजिए, देखिए आ गया कि नहीं आ गया, SBI बैंक आप लोगों का आएगा अभी, देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आप ऑल आइटम आइए, सॉरी आप ऑल आइटम आइए, ऑल आइटम आने के बाद देखिए जो मैंने बैंक का लेजर बनाया था वो सिर्फ बैंक लिखा था ना, आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा कि उसका नाम चेंज होकर SBI बैंक में हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप मल्टी लेजर क्रिएट कर सकते हैं और उसमें भी आप चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से समझ में आया होगा। देखिए बाहर आने के लिए आप लोग बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि सर क्या दबा के बाहर आते हैं, क्या मतलब कौन सी की प्रेस करके बाहर आते हैं। देखिए भैया मैं बता दूँ, बाहर आने के लिए स्किप की, किसका भाई, स्किप की का प्रयोग करके आप बाहर आ सकते हैं। टैली में बैग जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, स्किप की। अगर आप कुछ अंडर ट्रांजेक्शन करते समय या लेजर क्रिएट करते समय आप उसमें चले गए हैं, उससे बाहर आना है, गेटवे ऑफ टैली पर आना है, बाहर आना है मतलब किस पे, गेटवे ऑफ टैली पर आना है, तो आप स्किप की का मदद प्रयोग कर करके, यानी बैग स्किप की से बैक होके आप गेटवे ऑफ टैली पे आ सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना रहने देते हैं और आगे अब हम देखेंगे कि बाउचर, यानी कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन बाउचर, ये क्या काम होता है, ठीक है। चेकअप के लिए तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद और जय हिंद।